तो ओके हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइस यार अभी राइट नाउ टाइम हो रहा है, टाइम जान के यार क्या ही करोगे आज यार। ये कोई व्लॉग वीडियो नहीं आने वाली, ये आपको पूरा मैं मतलब कि एक बार ही पूरा फ्लैशबैक करवा देता हूँ कि हमने फुकेट थाईलैंड में क्या क्या किया, कराबी में क्या क्या किया, वो भी पूरा आपको फ्लैशबैक दिखेगा जो मेरी स्टार्टिंग्स वाली क्लिप होती है उनका। सो भैया फ्लैशबैक सारे एंजॉय करो, डे 1 से लेके डे 15 तक सारे फ्लैशबैक आपको दिखेंगे। सो पूरी वीडियो एंजॉय करना, पूरा मजा आएगा। एंड जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, वेलकम कर लेना ऑन। एंड आप फ्लैशबैक देखोगे सारे, आपको फिर पता चलेगा हाँ यार मैंने ये वाली वीडियो देखी। सो फिर आप वो वाली जाके वीडियो देखना, सभी वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा डे वाइज ही। सो चलो अभी करते वीडियो को स्टार्ट, लाइक स्टार्टेड। एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, वेलकम कर लेना ऑन। सो चलो अभी करते हैं स्टार्ट, लाइक स्टार्टेड। अभी आप एंजॉय करो क्लिप्स। ये यहाँ पे ना भाई ये वो रहा है एलिगेटर, लीजर्ड है, खतरों के खिलाड़ी वाली लीजर्ड। क्या होटल का प्राइवेट बीच फेंक के, ये देखो ये कैसे फेंका भाई, ये देखो ये फेंका साइड पे, ये सारे अपने टैची हैं। इतनी खतरनाक सी लग रही है ना, अगर कोई इसके पास चल गया ये तो छोड़ेगी नहीं भाई। ओए होए, एकदम समुंदर के बीच में तैर रहे हैं भाई, चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। ये देखो चारों तरफ समुंदर ही समुंदर और आराम से बीच में मैं, क्या ही बात है। और ये लगाने लगे हैं भाई डाइव, ये चेक करो क्या ही बात है। ये लोग हिल क्लाइंबिंग कर रहे हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं भाई रस्सी लगा के। अभी मैं स्विमिंग करता करता काफी ज्यादा दूर जा चुका था, क्योंकि नीचे व्यू ही आ रहा था अल्टीमेट था कि आपको पता ही नहीं चल रहा था कि आप क्या कर रहे हो। ये देखो भाई अभी लाइफ जैकेट वगैरह स्नोकलिंग का सारा सामान डाल लिया मैंने। सो अभी मैं जा रहा हूँ पानी के अंदर। जिन जिनको नहीं पता भाई मैं बता दूं कि मैं कराटे में ब्लू बेल्ट रह चुका हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, मेरे पास बेल्ट भी है। पीछे जा रही है, ये चेक करो भाई कैसे पानी आ रहा ऊपर तक। तो भाई यहाँ पे ये चेक करो, कराबी की नाइट लाइफ है ये। सो भी यहाँ पे देखो भाई कैसे बैठ चुके, अभी बग्गी की वेट हो रही है, टुक टुक आ रहा भाई अपना। मतलब कि जैसे ही आप रोड पे घूम रहे हो आपको एरो बना दिख जाएगा, उस गली में जाओ और भाई लिटरली सारे क्लब्स है जहाँ पे मर्जी घुस जाओ, फ्री एंट्री, अंदर जाके पेड अभी इंजॉय। ये अपने होटल का मैप ये देख लो भाई, कितना बड़ा होटल है, मतलब कि रूम्स ही देखो पहले तो कितने ज्यादा, कहाँ कहाँ पे जंगल जंगल पे जाके बनाए हुए हैं। सो अभी हम कराबी टू फुकेट जा रहे हैं भाई बाइक कार अपनी कैरावैन में, क्या ही बात है। और ये देखो भाई ये शहद रियल का मधुमक्खी का छत्ता ये यहाँ पे लगा के इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे ला के, ये देखो ये रियल में शहद चोरा, और ये देखो ये ओरिजिनल शहद है एकदम। ये देखो भाई हमें भाई थाईलैंड में आए हो, इतने ज्यादा दिन हो चुके हैं और अभी हमें फाइनली थाईलैंड की पुलिस देख चुकी है, ये चेक करो भाई। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10.5 फुट का पूल है ये 10 फुट का। अरे भाई यार एक बार यार ये चीज चेक करो क्या ही बात है, इसी चीज के यार सभी पैसे हैं। और ये देखो ये तो सबसे बड़ा जानवर सा पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता है। और ये तो भाई शॉटगन है नॉर्मल वाली, स्नाइपर का 10 मिलीमीटर बाट का शॉट है एक। ये देख लो भाई अभी केंकड़े भी दिख चुके हैं, ये देखो भाई चल रहे हैं, इनको मार देंगे फिर इनको खाएंगे। ये देखो ये पता नहीं क्या चीज है यार, यहाँ पे ऐसे करके आराम से सो रहे हो और जैसे ही आपकी आंख खुली और सामने ये व्यू भाई, सामने बीच। अरे ये देखो भाई ये बिच्छुओं के बच्चे दिख गए भाई छोटे छोटे, ये देखो भाई आए हाय यार। ये देखो कैसे अपनी सिगरेट उठा रहे हैं, ये देखो भाई बिना हाथ लगाए सिगरेट के साथ खेल रहे हैं, ये देखो भाई क्या ही बात है जादू। तो ओके गाइस ये है भाई अपनी पर्सनल यॉट, अभी हम इसमें जाएंगे भाई समुंदर में जाके गेड़े निकालेंगे, क्या ही बात है अपनी पर्सनल यॉट पे। ओए भाई अभी मिट्टी में पैर डाल रहे हैं, एकदम अच्छी फीलिंग आ रही है, अभी आराम से लेटे हुए हैं, सामने बीच है, यहाँ पे हम हैं एकदम पीस, और वहाँ पे अपनी प्राइवेट यॉट खड़ी है। ओ
और ये चेक करो भाई, ओए होए होए होए। और यार फिशेस चेक करो यार, कितना अमेजिंग व्यू है भाई। ये होती है भाई यॉट अंदर से, अभी आपको दिखाते हैं पूरी यॉट कैसी होती है, लेट्स गो। की ये देखो, ये हो रही है यहाँ पे पैरासेलिंग। ओके गाइस, अभी रात के 3 बजे यहाँ पे माहौल देख लो, ये माहौल होता है, वहाँ पे डांस चल रहा उधर। और यही चीज है भाई यहाँ की फेमस, अगर आप रात को आ रहे हो तो मार्केट आना, ये चेक करो भाई रात का डांस। और भाई ये देख लो, ऐसी होती है थाईलैंड में मसाज। सो यार अभी ये टुक टुक चेक करो भाई, कितनी ज्यादा अमेजिंग बनाई हुई है भैया ने, चलते जाके मसाज कराते हैं, लेट्स गो भाई। और आपको भी दिखाते हैं थाई मसाज कैसी होती है। और ये देखो 100 बात दो और वीडियो फोटो बनाओ भाई, नहीं तो ऐसे नहीं बना सकते। पर हम तो थाई मसाज अमेजिंग है ये थाई। यहाँ पे ये देखो भाई, ऑक्टोपस खाने लगे हैं भाई अभी लोग, ये देखो ये ऑक्टोपस है यार लिटर। सो ओके गाइस, अभी टाइम देख लो भाई, रात के ऑलमोस्ट 1 बज रहे हैं और अभी हम मसाज करा रहे हैं भाई थाईलैंड में। ये चेक करो यार, बब्बर शेर है हमारे सामने और हम शेर के पास। ओ ओए भाई, मतलब कि टच करते हुए भी डर लग रहा है। ये देखो भाई, ये देख लो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ से दूर रहना, टाइगर स्प्रे भी कर सकता है आपके ऊपर, मतलब कि वॉशरूम कर सकता है। ओए क्या ही बात है, ये चेक करो भाई, कैरावैन असली तो ये है। गाइस ऋषभ की टर्न है। ये चेक करो भाई, शॉटगन और पिस्टल रियल में कैसी होती है यार। शॉटगन का बहुत ज्यादा प्रेशर है, चलो शॉट। ओए और ये चेक करो भाई, M416 रियल में ये होती है भाई M416। ओ ये भाई देख लो, शॉटगन की बुलेट ये होती है। सो भाई मैंने मारी एक्स पे बुलेट, एकदम सेंटर में निशाना लगा के भाई बुलेट मारी मैंने। ये चेक करो भाई इनकी गनों का कलेक्शन कितना है। और अभी दिस इज 45 mm राइट, 45 mm। आज तो भाई रियल में M416 शॉट गन पिस्टल, सामने शूटिंग रेंज आ चुकी है, अभी चलाएंगे लगाएंगे एकदम पूरा टैंक वगैरह पहन लिया। और ये लगा दी भाई छलांग, और बाकी यार ये चेक करो, मतलब कि फिशेज देखो यार कितने ज्यादा क्यूट क्यूट है। और पानी के नीचे एक शहर ही बसा हुआ है, कम से कम नहीं तो अभी भाई हम पानी के 40 फीट गहराई में है। और ये चेक करो यार, ऐसे नहीं लग रहा है जैसे कोई प्रोफेशनल वीडियो शूट हो रही है और एड शूट हो रही है यार। फिशेज देखो कितने ज़्यादा सुंदर हैं, और पानी के नीचे यार क्या एक खूबसूरत नज़ारे हैं यार, लिटरली मज़ा आ गया देख के। और यार बाकी अभी मसाज होनी स्टार्ट हो चुकी है मेरी, सो भी मसाज हो रही है थाई मसाज। और सामने क्या ही बीच का व्यू, मतलब कि थाई मसाज के साथ और सामने लहरें आ रही हैं यार, क्या ही अमेजिंग व्यू है। और यार ये चेक करो पानी के नीचे क्या पूरा, मतलब कि एक तरह से शहर सा ही बसा हुआ है, और क्या ही अमेजिंग मतलब कि पानी का नीचे का व्यू। ये चेक करो भाई कैसे अभी स्कूबा डाइविंग हो रही है, अभी पूरा मजा आ रहा है। हमारे भाई 13 वीडियोस में ये हमें पहला थाईलैंड का पेट्रोल पंप दिखा है। यहाँ पे पेट्रोल को कहते हैं भाई गैसोलीन कहते हैं, डीजल को पता नहीं गैसोलीन कहते हैं यहाँ पे। और यार आज हम जा रहे हैं थाईलैंड से वापस इंडिया, आज है हमारी फ्लाइट। ये अभी बाय बाय कर देते हैं फुकेट को यार, काफ़ी ज़्यादा मज़ा है। नीचे व्यू चेक करो यार, मतलब कि एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ ही बीच है, मतलब कि समुंदर है। ओ भाई ये क्या अमेजिंग चीज़ है यार, ये चेक करो यार कितनी अमेजिंग चीज़ लग रही है। और बाकी ये देख लो भाई, ये हमारे इंडियंस के हाल ही, अपने ग्रुप के बंदे खड़े होके भाई आराम से बातें कर रहे हैं, प्लेन हवा में है और प्लेन में चलते चलते भाई आराम से बातें चल रही है इनकी। ये चेक करो,
तो ओके गाइस यार अभी आप घूम के पूरा फुकेट थाईलैंड कराबी सब कुछ अभी आप घूम के आ चुके हो, भाई कमेंट करके बताना यार आपको कैसी लगी। और जिस जिसने भाई अभी तक मतलब कि वो नहीं किया है वीडियोस जॉन जॉन से नहीं देखी वो जाके जल्दी जल्दी देखो। बाबा सी यू नेक्स्ट वीडियो, इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन फॉलो करो। बाबा सी यू नेक्स्ट वीडियो, वीडियोस लाइक करना। बाय।